Good morning to all of you. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 7th of work energy and power. Today's topic is potential energy. आज हम पढ़ने वाले हैं potential energy. अगर हम potential energy की general definition देखते हैं तो जो energy possess की जाती है अपनी position की वजह से, अगर मान लो कोई object है जिसका mass क्या है m है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी भी फोर्स से तो ये मास कहां से कहां है, यहां से यहां तक, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, यहां पे v1 होगी, यहां पे v2 मान लो, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस बॉडी ने जो एनर्जी गेन की है वही क्या कहलाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है. फिजिक्स में क्या डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. फिजिक्स में क्या डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जो फिजिक्स में डिफाइंड है वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, बाय कंजर्वेटिव फोर्स. जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. किसका यूज होगा, सिर्फ इसमें कंजर्वेटिव फोर्स का. और कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़े थे इसके पहले, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या थे, कंजर्वेटिव फोर्स. तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और इसी को हम, इसी की हेल्प से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को. देखो बच्चों, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, मतलब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वो क्या कर रही है, एनर्जी गेन कर रही है. एनर्जी गेन कर रही है, वही एनर्जी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी. अगर मान लो हम, कोई हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के लिए उसमें, कंप्रेस करने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब उसकी लेंथ कम हुई है. लेंथ कम हुई है तो जो एनर्जी हमने अप्लाई की थी वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में. या उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने की वजह से जो उसमें एनर्जी आएगी वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. अगर मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम सरफेस से उठाकर कहीं पे ले जा रहे हैं तो उसकी पोजीशन की चेंज होने की वजह से जो एनर्जी उसमें आई है वही क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और स्प्रिंग की लेंथ के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी उसमें आती है वो क्या होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट की बात करते हैं, तो जो एनर्जी की यूनिट होती है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट थी जूल, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल. मीन्स एनर्जी की जो यूनिट है वही सबकी यूनिट है, भले वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, भले वह स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, एनर्जी की जो यूनिट होगी वही क्या होगी, इनकी यूनिट होगी, वो क्या होती है, जूल. तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल. अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन भी वही होगा जो पहले था. टेक अ स्क्रीनशॉट. देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमें जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, वो कौन कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर किसी भी सरफेस से हम किसी भी मास को या बॉडी को उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी गेन हुई है वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसकी डेफिनेशन देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड टू इट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब अर्थ के सरफेस से हम किसी बॉडी को कितना ऊपर लेके जा रहे हैं, उस वजह से उसमें जो एनर्जी गेन हो रही है वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको समझो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height above the surface. हमें ये प्रूव करना है कि ये कहां से आया है mgh. अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है, ये सरफेस है, h1 हाइट ऊपर है, सरफेस से कितना है, h1 हाइट ऊपर, इसका मास m है, ये सरफेस मान लो, ठीक है. उसके बाद इस बॉडी को हमने, ये यहाँ पे रखी हुई थी, इस बॉडी को हमने यहां से उठाकर कहां रख दिया, यहां पे, और ये सरफेस से इसकी हाइट है h2, ठीक.
अब हमने जो फॉर्मूला देखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या है, mgh है, यही हमें प्रूव करना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे देखो बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh1, सरफेस से ये मास कितना ऊपर है, h1, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh2, क्योंकि सरफेस से कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से यहां पे क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एमजी एच टू माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एमजी एच वन। तो यहां से मेरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, वो क्या मिल रही है, एमजी एच टू माइनस एच वन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, एमजी एच टू माइनस एच वन। अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं, हमें बताना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। अब यहां से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एमजी। ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एमजी। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी, इस पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी। अब यहां से देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच टू माइनस एच वन, ये हाइट कितनी हो गई, एच टू माइनस एच वन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी यहां से ऊपर गई है तो ऊपर गई है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बन रहा है। तो एफ एस फोर्स की वजह से कितना हो जाएगा, एमजी। तो यहां पर किसका आएगा, दोनों किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एमजी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच टू माइनस एच वन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, माइनस एमजी एच टू माइनस एच वन। अब यहाँ पे देखो, एमजी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, एमजी एच टू माइनस एच वन। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, यहाँ किसका है, प्लस का, ये क्या है यहाँ पे, माइनस। तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ग्रेविटी कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या आया है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम सरफेस इसी को मान लेते हैं, अगर हम सरफेस क्या मान लेते, तो एच वन क्या हो जाता, जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती, जीरो। इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो और एच वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो एच वन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती, सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एमजी एच टू, क्योंकि एच वन तो क्या हो गया है, जीरो, और किसका होगा ये, माइनस का। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाय, अगर हम क्या मान रहे हैं, एच वन इक्वल टू जीरो, एच वन इक्वल टू जीरो और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस वजह से हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है, एमजी एच। तो यहां से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलती है हमें, वो क्या मिलती है, एमजी एच, उसी को हम क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एमजी। हमें जो एमजी एच मिल रही है वो एक्चुअल में होती नहीं है, वो क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट हम किसी भी सरफेस पे क्या मान लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो। अगर मान लो मुझे इस, मान लो यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है, अगर मान लो इस हाथ से मैं इसकी हाइट बतानी, तो इस हाथ से इसकी हाइट कितनी है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट को क्या मान लिया है, जीरो। बट अब हम सरफेस से देखेंगे तो मार्कर की कुछ ना कुछ हाइट आती है, इसलिए हमें सरफेस पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया है, जीरो, इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलती है, एमजी एच। टेक अ स्क्रीनशॉट,
हम एक एग्जांपल देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड. अ स्टोन ऑफ मास 0.8 केजी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर हाफ सेकंड. हमसे पूछा है, पहले गिवन लिख लो, मास दे रखा है हमें 0.4 केजी और हमें स्पीड दे रखी है इनिशियल 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमसे पूछा है कि अगर किसी स्टोन को जिसका मास 0.4 केजी है उसको हमने ऊपर फेंका इनिशियल विद इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, अगर उसको हमने ऊपर फेंका है तो बताओ आधे सेकेंड बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आधे सेकेंड बाद जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी. ये स्टोन था, इसको हमने ऊपर फेंका, हमसे पूछा है कि हाफ सेकेंड, जब हाफ सेकेंड है t इक्वल टू हाफ सेकेंड है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. तो हमें गिवन दे रखा है मास, इनिशियल स्पीड दे रखी है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगेगा, नीचे की तरफ. तो उसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस का जी, और जी की वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी अच्छे, तो हमें ये निकालना है. तो हमारे पास मास कितना है 0.4 और जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो हमें निकालना क्या है इसके लिए, हाइट. तो हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन भी कौन सी यूज कर रहे हैं, सेकेंड. ये क्या होते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो बच्चों, हमने इसका यूज क्यों किया है, इस हाइट को निकालने के लिए. जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्टोन का ऊपर जाते हुए तो वो क्या है, s है, s मीन h है. देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें 9.8, टाइम भी दे रखा है हमें हाफ सेकंड प्लस हाफ, तो देखो एक्सीलरेशन क्या है, माइनस का जी है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे जाएगा एक्सीलरेशन 9.8 और टी स्क्वायर, टाइम कितना है हाफ. ठीक, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे सबको तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मीन्स हाइट जो मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, 3.67 मीटर, ये हमारी हाइट है. अब हमारे पास हाइट हो गई 3.67 मीटर, तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.4 जी 9.8, हाइट कितनी है 3.67. इनको कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी 14.386 जूल. ठीक है बच्चों, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसी स्टोन को फेंका है हमने ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, इसलिए माइनस का है. हमसे पूछा था कि आधे सेकंड बाद उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, mgh, m गिवन है, gb है, h निकालनी थी, इसलिए हमने काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इससे हमने क्या निकाल लिया, हाइट की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो हमें क्या मिली, पोटेंशियल एनर्जी. टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.